रिपोर्ट। और कोटा से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पेपर सॉल्वर गैंग से चौंकाने वाले खुलासे हुए। 10 से 15 लाख लेकर कराए थे पेपर सॉल्व। तो अभ्यर्थी लैब संचालक समेत कई पर जांच की आज पहुंच चुकी है। 20 से 21 अप्रैल को ऑनलाइन CGEPT परीक्षा में पेपर को सॉल्व कराया गया था। SIT को CGEPT परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका है और इसी को लेकर जांच लगातार जारी है। पेपर सॉल्वर गैंग से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, संदिग्ध युवकों की तलाश में दूसरे राज्य जाएगी SIT। ये भी जांच निकलकर सामने आई है। परीक्षा के दौरान बड़ी फर्जीवाड़ी की आशंका जताई जा रही है। संदिग्ध युवकों की तलाश में दूसरे राज्य अब SIT जाएगी, जहां पर उन लोगों की तलाश की जाएगी। अभ्यर्थी लैब संचालक समेत कई पर जांच की आंच नजर आ रही है। SIT की ओर से इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है और इस जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है कि SIT अन्य राज्यों में जाकर भी जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे उन्हें लेकर जांच करेगी। वो जाके वहां जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ करी गई, तो वाकई में उनके पास में उनके मोबाइल्स में इस तरह के मटेरियल मिले जो पेपर लीक से संबंधित थे। ये पेपर जिसके संबंध में पूरी बात हो रही है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था, नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ये नेशनल लेवल का। और इस संबंध में जब बाकी और डिटेल्स देखी गई उनके मोबाइल में, तो कुछ पेपर्स नजर आते हैं। और फिर उनसे जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करते हैं और ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं विभिन्न लैब्स में, और ये वो रिमोट एक्सेस प्राप्त करके खुद पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन पेपर लीक हुआ है।